दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि हम लोग अपने दिमाग का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा ही काम में लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 100% हिस्सा काम में लेने लग जाए तो वह उस काम को कर सकता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन है, जैसे कि अपने शरीर को हवा में उड़ाना, चीज़ों को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह रखना, इसके साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के थॉट्स को पढ़ना, और तो और बहुत से ऐसे काम करना जो एक आम आदमी के लिए असंभव है। हो सकता है आपको इन बातों पर यकीन ना हो रहा हो, तो एक बार आप शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। उनके लिए यह सब चीज़ें कॉमन है, क्योंकि वो लोग अपने शरीर को और अपने माइंड को इस लेवल पर ट्रेन करते हैं। असल ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल आदमी और एक साधारण आदमी के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वह है आप अपने दिमाग का कितने परसेंट यूज लेते हैं। अगर हम लोग अपने दिमाग की क्षमता को 5% या 10% से बढ़ाकर ज़्यादा यूज लेने लग जाएं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। आपका दिमाग 100 गुना ज़्यादा अवेयर हो जाएगा और एक बार पढ़ी हुई चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इसके साथ साथ आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपने आप बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आप लोग किस तरह अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में अधिक सफल और बुद्धिमान इंसान बन सको। अब बात करते हैं आपके दिमाग की। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन में हर दिन आपके हजारों थॉट्स आते रहते हैं, यह आपके रोज़मर्रा के कामों को करने में काम आता है। लेकिन इसी के विपरीत होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। आप जितना ज़्यादा अवचेतन मन का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी बेहतर और सक्सेसफुल बनती जाएगी। अब बात करते हैं यह काम कैसे करता है। आपका अवचेतन मन सिर्फ 2 ही बातों को समझता है, या तो एकदम टॉप की बात या फिर एकदम निचली बात, मतलब कि यह बीच के थॉट्स को नहीं समझता। यदि आप अपने स्कूल में या अपने खेल में या बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में यह सोचते हो कि मैं इसमें कुछ अच्छा या ठीक ठाक तो कर लूँगा, तो फिर या इसमें आपका अवचेतन मन कोई काम नहीं करता है। हो सकता है आप इसमें अच्छा करें या फिर ना करें, लेकिन अगर आप इसके बदले यह बोलते हैं कि मैं इसमें द बेस्ट करूँगा, मतलब मुझसे अच्छा यह काम दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो आपका अवचेतन मन इस बात को पकड़ लेता है और फिर वह आपके उस गोल को अचीव करने में लग जाता है। मतलब एक बार अगर कोई आपके अवचेतन मन में चली जाए तो फिर वह अच्छी हो या बुरी उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही कारण होता है कि एक आम आदमी कभी ऊंचा नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वह एकदम टॉप लेवल का सोचता ही नहीं है। वह सोचता है कि उसकी ज़िंदगी है जो एक साधारण तरीके से अच्छे तरीके से चल जाए। अगर आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, अगर आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, तो आपको हमेशा बड़ा सोचना होगा, एकदम टॉप लेवल का। फिर देखो अपने अवचेतन मन का कमाल, वह सब कुछ आपके जीवन में ज़रूर हासिल होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक बात सोचना शुरू कर दो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, तो मैं यह बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ ही महीनों में सच में बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। इसी तरह आप यह उपाय हर चीज़ में कर सकते हो। यदि आप अपने अवचेतन मन को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का आदेश दोगे तो वह आपके सोच के अनुसार चलेगा। दोस्तों, यह ट्रिक 100% काम करती है और इस बात को पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग भी मानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है और आप इसे यहाँ तक देख रहे हैं, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम यहाँ इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।